आज विश्व में जो हमें ये संकट आ रहा है अलग अलग टूटने का, वो खाली उसका अगर कहीं निदान है तो वो आध्यात्मिकता में है। तो इसमें तीन तरह के हम देखने में हमें आते हैं लोगों के भाव, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको हाथ उठा के बताना है कि आपको किस किस पक्ष के हैं। एक पक्ष कहता है कि जो कुछ था वो सब इतिहास काल में पूर्व में बहुत सुंदर था, अब हमारा निरंतर ह्रास हो रहा है, मानवता गर्त में जा रही है निरंतर। पहले ही था जो सब कुछ बहुत सुंदर था, पहले ही लोग एनलाइटेंड थे, पहले ही मानवता थी, अब निरंतर ह्रास हो रहा है। और कुछ तो डूम्स डे की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, और ये खाली भारत में नहीं हो रहा है, पूरे देशों में हो रहा है, पूरे जितने रिलीजन हैं सब में इस तरह का मिल रहा है। इस बात को कितने लोग मानते हैं कि पहले स्वर्णिम युग था, अब हम गर्त की तरह जा रहे हैं? कृपया हाथ उठाएं। 11 लोग मानते हैं, ठीक। दूसरा एक मत चलता है, वो कहते हैं कि नहीं, जो कुछ है भविष्य में है, अभी तो झेलना है, हम आगे का बनाएंगे, आगे स्वर्णिम होगा, और ये जो चीज है ये तो हम पीछे पीछे नहीं थे, हम चले कहां से, हम पहले बंदर थे, फिर हम फूड हंटर गैदरर हुए, फिर हमने खेती करना शुरू किया, अब हम सिविलाइज्ड हो गए, फिर हम कल्चर्ड होंगे, फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएंगे। एक ये मत चल रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, इस पे कितने लोग सहमत हैं? एक भी लोग सहमत नहीं। एक तीसरा मत है, गुड, इस पे कोई नहीं है, अच्छी बात। एक तीसरा मत कहता है कि ना हम पीछे का जानते हैं ना हम आगे का जानते हैं, वर्तमान में जो है, जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा है, जितना हमारे काम का है, इस समय काम में आ रहा है, हम उसको देखेंगे, जितनी हम खोज कर पा रहे हैं वर्तमान में देख रहे हैं, जहां जहां भी जो अच्छा है हम सारा लेके अभी इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि उससे क्या होता है। एक ये मत चल रहा है, इस मत के कितने लोग? गुड, मोर देन 11, गुड। सो इसमें ये तीन कोई अलग अलग लोग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है, और ये हाँ हमने छोटे सैंपल में भी देख लिया, ये कोई अलग अलग तीन व्यक्ति नहीं है, ये टेंडेंसी की प्रधानता है। जैसे हम कहते हैं अध्यात्म में कि तीन है, सत रज तम, और जब आपकी रज की प्रधानता होगी तो आप कर्म की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा मतलब नहीं है कि उस समय आपके अंदर सत नहीं है, सत नहीं होगा तो कर्म कैसे करोगे। तो प्रधानता किस चीज की है, तो मुझे ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अभी अगर एक वोट भी हमें ज्यादा मिला है तो ये तय हो गया कि प्रधानता वर्तमान को ही सब कुछ मानने वाले लोगों की है। और आप ये एक ध्यान रख लीजिए, वर्तमान ईश्वर का एक नाम है, वर्तमान अर्थात जो बरत रहा है, कौन बरत रहा है, जो आपकी परम संभावना है या ईश्वर है, वही तो वर्तमान है। तो उस तक हम कैसे पहुंचे, ये डायरेक्टिंग डेस्टिनी का के पीछे, ये रखने के पीछे यही था कि हमारे समय में जितना हमारा डेवलप वो हुआ है, आध्यात्मिक उन्नति इस देश में हुई है, जिस तरह की मानवता रही, उसमें एक चीज रही, हमेशा लोगों ने प्रश्न उठाया। आप उपनिषद देख लीजिए, पूरा प्रश्नों से भरा हुआ है। आप रामायण महाभारत देख लीजिए, प्रश्नों से, रामायण तो पूरी चर्चा ही प्रश्नों के ऊपर है, पार्वती पूछती है शिव से सती के रूप में, याज्ञवल से भरद्वाज पूछते हैं, गरुड़ पूछते हैं काकभूषिंडी जी से, तो ये सारी चर्चाएं, तुलसीदास जी अपने मन से पूछते हैं, ये सारी चर्चाएं जो है हर जगह प्रश्न से शुरू होती है। वर्तमान काल में कुछ ऐसी कुंठा आई है कि लोग अपने ज्ञान को अच्छा होते हुए भी, श्रेष्ठ होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं बोल पा रहे, और जो श्रेष्ठ नहीं है, जब एक सीधी सी बात है, जो अनिवार्य है, अगर वो नहीं होगा तो उसकी जगह क्या ले लेगा, बताइए, जो अनिवार्य नहीं है, तो अगर जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो अपनी जगह नहीं ले रहा है तो उसकी जगह क्या ले लेगा जो श्रेष्ठ नहीं है। तो श्रेष्ठ का काम होता है कि वो हमेशा मार्गदर्शन करे। मार्गदर्शन कैसे होगा, बिना समन्वय के नहीं होता, बिना समाज को साथ में लेके नहीं चलता। एक चीज को अगर आज हो क्या रहा है, जिसको बहुमत, आप देखो डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, सिरों की ही गिनती होती है ना, कि इतने सारे लोगों ने वोट दीजिए मतलब ये सही है,
तो उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। पर ये आप देख लीजिए कि जो ये वर्तमान में जीने वाले लोग हैं, इसको हम कहते हैं क्रिएटिव माइनॉरिटी, यही हमेशा आगे ले जाने वाले होते हैं चीज को, क्योंकि ये पूरी तरह आज जैसे स्टार्टअप है, कुछ चीजें हो रही हैं, तो वो कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो खाली इस पे फोकस है कि आज हम कोई सॉल्यूशन कैसे दे दें, कोई समस्या है। और इसी बंगलोर शहर में जहां हम हैं, स्टार्टअप का गढ़ होता जा रहा है। तो कालांतर में यही लोग बहुत बड़े फलक से जुड़ जाएंगे। जैसे आप इंडस्ट्री के उदाहरण ले लीजिए, अजीम प्रेम जी ने जब कभी शुरू किया होगा, आज देखिए वो कहां पहुंच गए, सारा कह रहे हैं फिलान्थ्रोपी में ही हम देंगे जितना हमारे पास एक्सेस है। तो कब, उस समय लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि जब उन्होंने शुरू किया होगा कोई चीज, फिर इतना बड़ा बनाया कि अल्टीमेट उद्देश्य तो जनकल्याण ही है। तो इस तरह का लोगों को जोड़ना और अपनी चीज बताना कि हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, और उसके लिए वो क्यों क्यों होता है जब आप कोई चीज व्यवहारिक रूप में बताते हैं। क्योंकि कुछ लोग, अभी हमने सैंपल देखा, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि सारा कुछ पीछे ही ठीक था, तो वो पीछे की ओर मुड़ जाते हैं कि उधर उधर देखते हैं उधर, तो वो तो जीवन की गति नहीं है, जीवन तो हमेशा चल रहा है। तो चल रहा है का मतलब जो आप अभी तक थे, अब कुछ आगे और ही होना है, पीछे तो जा नहीं सकते, ऐसी गति तो है नहीं। तो जो श्रेष्ठ जहां से है उसको प्रतिष्ठापित करना कि ये पूरी तरह से ठोका परखा है, देखा परखा है, इसको जीवन में उतारने से आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप भागते फिर रहे हैं।